आजसू पार्टी के सातवें केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन आज से रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। यह महाधिवेशन 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा। महाधिवेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आयोजन स्थल का नाम धरती आबा बिरसा मुंडा परिसर रखा गया है, जबकि सभी कार्यक्रम झारखंड आंदोलन के प्रणेता लरो और पढ़ो का नारा देने वाले विनोद बिहारी महतो सभागार में होगा। महाधिवेशन के पहले दिन उद्घाटन सत्र में केंद्रीय अध्यक्ष का संबोधन होगा। इसी सत्र में झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। इसी दिन पार्टी का प्रतिवेदन पेश किया जाएगा, साथ ही पार्टी के संविधान संशोधन का भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके साथ ही झारखंड आंदोलन, राज्य की चुनौतियां, सामाजिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी जैसे अहम विषयों पर अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ परिचर्चा में अपनी बात रखेंगे। 30 सितंबर को भी झारखंड की चुनौतियों और ज्वलंत मुद्दों पर परिचर्चा की जाएगी। इस परिचर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विशेषज्ञ शामिल होंगे। महाधिवेशन के आखिरी दिन 1 सितंबर को राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने के साथ पार्टी के बाहर भाग्य कार्यक्रम तय किए जाएंगे। साथ ही संगठन एक चुनाव और राजनीतिक संकल्प की घोषणा होगी। इसी दिन जनसभा का आयोजन होगा, जिसमें राज्य के सभी 32,000 गांवों का प्रतिनिधित्व होगा। इस जनसभा में कम से कम 1,00,000 लोगों की भागीदारी होगी। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर हमारे संवाददाता राकेश मोरहाबादी से जुड़े हैं। राकेश, आज आजसू की तरफ से महाधिवेशन शुरू किया जा रहा है और 3 दिवसीय महाधिवेशन है। मोरहाबादी में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ अभी फिलहाल वहां का दृश्य नजारे महाधिवेशन को लेकर? नहीं, देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तमाम जिलों से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पार्टी ने इस पूरे महाधिवेशन को नव निर्माण संकल्प महा समागम के तौर पर पार्टी इसे मनाने जा रही है। और देखिए, ये जो पार्टी का जो कहना है कि ये जो महाधिवेशन है वो सिर्फ आजसू पार्टी का नहीं है, पूरे राज्य का महाधिवेशन है और उसी को लेकर पार्टी जो है वो इस महाधिवेशन में आगे बढ़ेगी। 3 दिनों का पूरा कार्यक्रम रखा गया है। आज चूंकि ओपनिंग सेशन है तो जो पार्टी के अध्यक्ष है उनका भाषण होगा। इसके अलावे जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव है वो लाया जाएगा और कई विषय हैं जो कि झारखंड के राजनीति को छूते हैं और झारखंड की पूरी पॉलिटिक्स उन्हीं विषयों के आसपास चलती है, चाहे स्थानीयता का मसला हो, नियोजन का मसला हो, शिक्षा रोजगार से जुड़े हुए विषय हो, ऐसे तमाम विषयों पर जो है विषय के जो जानकार हैं अलग अलग क्षेत्र के, चाहे आप IIT की बात कर ले, IIM की बात कर ले, या दूसरे शैक्षणिक संस्थानों के प्रोफेसर हो, ऐसे तमाम बड़े चेहरे आपको उन विषयों पर परिचर्चा के दौरान आपको नजर आएंगे। माफ कीजिएगा, तो पूरी तैयारी कर ली गई है। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी है। हसन जी, तैयारी पूरी हो गई है? हसन जी, निश्चित तौर पर तैयारी हमारी पूरी हो गई है। सारे जिलों के डेलीगेट्स आना शुरू कर दिए हैं और आज तो 29 तारीख को आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन, कल द्वितीय दिन होगा और तीसरे दिन को जो है हम खुला सत्र रखे हैं। इसमें खुला सत्र में हमारे पदेन पदाधिकारी ग्राम स्तर के, प्रत्येक ग्राम से एक महिला एक पुरुष मिनिमम, और पंचायत और प्रखंड और जिला मिलाकर के हमने एक टारगेट रखा है 1,00,000 पदेन पदाधिकारी, आम व्यक्ति नहीं जो आंसू के पदों में पर है, वे लोग को हम लोगों ने बुलाया है। 1 तारीख को खुला सत्र होगा। आज चूंकि पहला दिन है, आज क्या क्या होने जा रहा है? देखिए, आज तो जो स्वाभाविक है कि आज उद्घाटन समारोह है, तो उद्घाटन के बाद में जो है पहले तो हम लोग क्या बोलते हैं शहीदों को के वेदी पर माल्यार्पण करेंगे, फिर स्वागत होगा, उसके बाद में हमारे पार्टी सुप्रीमो का स्वागत भाषण होगा, उसके बाद जो हमारे झारखंड आंदोलन के अगुआ नेता लोग रहे हैं कालांतर में शुरू से, लेकिन आज कहीं कहीं ना कहीं है, हम उन आंदोलनकारियों को आमंत्रित किए हैं, उनको सम्मानित करेंगे, उस सम्मान के बाद में विषय प्रवेश होगा और फिर विषयों पर चर्चा होगा। अच्छा, आमतौर पर यह देखा जाता है कि महाधिवेशन में दूसरे दलों को न्योता, ये कोई परंपरा है नहीं, लेकिन आप लोग उस परंपरा से इतर जाकर इस महाधिवेशन में दूसरे राजनीतिक दलों को भी न्योता दे रहे हैं, तो मैसेज क्या देना है इससे? देखिए, इसके पीछे एक बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। राज्य गठन के 23 वर्ष बीत गए
और कहीं न कहीं लोगों को लगता है या हमें भी महसूस होता है कि हमने जिन विषयों को लेकर के इस राज्य का निर्माण करवाया था उस राज्य के विषय यथावत अभी भी पड़े हुए हैं, लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पाई है, तो हो सकता है त्रुटियाँ कहाँ हो रही हैं। हम उन विषयों को जानना चाहते हैं, इसलिए हमने कहा है ये सिर्फ आसू का महाधिवेशन नहीं बल्कि राज्य का महाधिवेशन है और हम खुले दिल से सारे दलों को आमंत्रित किए हैं, सारे लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे हैं कि आप आए इस महाधिवेशन में और खुले तौर पर अपने विचारों को रखें कि हम इस राज्य के नवनिर्माण में, इस राज्य के विकास में क्यों पिछड़ रहे हैं और काहे पिछड़ रहे हैं और उसका समाधान क्या होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए अनुष्का, आप पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी हमारे साथ जुड़े थे और उनसे बातचीत हमने की और आज जो सेशन है उसमें क्या कुछ होने जा रहा है। तो सबसे पहले जो आंदोलनकारी है जिन्होंने झारखंड निर्माण में अपनी अहम भूमिका दी है, जिन्होंने शहादत दी है, वो उनको पहले पार्टी जो है वो सम्मानित करेगी। तो पूरा कार्यक्रम जो है वो शेड्यूल्ड है, पूरा कार्यक्रम तय कर लिया गया है। हमारे साथ लंबोदर महतो भी है, देखिए हालांकि हम उनसे बाद में जुड़ते हैं। तो ये तस्वीर हम लगातार यहाँ मुराबादी मैदान से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अनुष्का, कि तमाम जिलों से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं। पहले उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको आई कार्ड मुहैया कराया जाएगा और उसके बाद फिर अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो पूरे सिस्टम के तहत इस महाधिवेशन को रखा गया है और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज राजनीतिक तौर पर देने की कोशिश इस महाधिवेशन के जरिए जो है वो पार्टी करना चाह रही है। 3 दिनों का ये पूरा महाधिवेशन है, हर 5 साल में पार्टी का यह महाधिवेशन होता है। पिछली बार 2017 में यह महाधिवेशन हुआ था। देखिए लंबोदर जी हमारे साथ है, लंबोदर महतो आसू के विधायक हैं गोमिया से, रणनीतिकार पार्टी के जो कह ले आप। सर 3 दिनों का महाधिवेशन और महाधिवेशन में भारत के अलावा दूसरे देशों के भी डेलीगेट्स पहुंचेंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे, इसके अलावा आप लोगों ने राजनीतिक तौर पर इसे बहुत बड़ा मंच दिया है क्योंकि आप लोगों ने दूसरे राजनीतिक दलों को भी बुलाया है। तो मैसेज बढ़ा देने की कोशिश है 2024 के पहले, क्या इस महाधिवेशन को आसू का संघनाद के तौर पर देखें हम लोग? निश्चित रूप से 2024 का ये शानदार आगाज है जिसका अंजाम 2024 में दिखेगा। पार्टी पूरे राज्य में सशक्त तरीके से अपना कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और ये महाधिवेशन में पूरे राज्य के 32,000 से ज़्यादा गांवों के प्रतिनिधि, हमारे चाहे महिला दीदी हो या पुरुष हो, पूरे राज्य के लाखों की संख्या में यहां पर उपस्थित होंगे, इस महाधिवेशन में शरीक होंगे और ये जो वर्तमान भ्रष्ट सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का संदेश लेंगे और 2024 में केंद्र में भी एनडीए की सरकार बनाने के लिए और राज्य में भी एनडीए की सरकार बनने के लिए शानदार आगाज यहाँ से इस महाधिवेशन से होगा। महाधिवेशन में जो हजारों कार्यकर्ता आपके जो या दूसरे सेकंड लाइन लीडरशिप के जो नेता जुड़ेंगे, इस महाधिवेशन से एक नई ऊर्जा लेकर जाएंगे 2024 को लेकर? निश्चित रूप से इस महाधिवेशन से पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी और पूरे उमंग उत्साह और जोश के साथ 2024 के मैदान में लोग उतरेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने लंबोदर जी। तो हमारे साथ लंबोदर महतो गोमिया से विधायक आसू के, और साफ तौर पर उनका कहना है कि ये 2024 को लेकर एक तरीके का शंखनाद होगा और यहाँ जो पार्टी के कार्यकर्ता जो नेता जुटेंगे हजारों की तादाद में, वो एक नई ऊर्जा लेकर निकलेंगे जो 2024 में आपको उसका असर पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। अनुष्का बहुत बहुत धन्यवाद राकेश, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि आज आसू की का महाधिवेशन जो है वो प्रारंभ हो रहा है और 3 दिवसीय यह महाधिवेशन, आज पहला दिन। September 29, 30 और 1 अक्टूबर को जो है ये महाधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है रांची के मोरहाबादी मैदान में। पार्टी संविधान में संशोधन होगा और इसे लेकर यह महाधिवेशन झारखंड के नवनिर्माण का संकल्प होगा। आपको बता दें कि आंदोलनकारियों को जो है यहां सम्मानित किया जाएगा, राजनीतिक प्रस्ताव और जनसभा भी की जाएगी। आसू का ये 3 दिवसीय महाधिवेशन का आज पहला दिन है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।